हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ यूपी पुलिस में, या फिर जिनका JTC ट्रेनिंग सेंटर नहीं आया, या फिर जिनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ है, तो उन सब बच्चों के पूरे डाउट्स इस वीडियो में पूरे क्लियर करने वाले हैं। कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे यूपी पुलिस के जो मुख्यालय है, या कहें तो मुख्यालय जो पुलिस महानिदेशक है, उनकी तरफ से एक PDF भी पब्लिश किया गया है। उस PDF में उन्होंने क्या कहा है, वो सारी बात यहाँ पे पढ़ के आपको बताते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा जो कन्फ्यूज़न है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पे PDF देख पा रहे हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता समयबद्ध द्वारा फैक्स ईमेल, ठीक है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, तो ये लखनऊ द्वारा पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर दिनांक भी देख सकते हैं, 8 मई 2019। तो इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया, तो इसमें किस लिए है ये नोटिस, सारा बात कर लेते हैं इस वीडियो में। मुख्यालय स्तर पर की गई समीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि अभी भी लगभग 8,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई, और लगभग 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों की पत्रावलियां संबंधित गृह जनपदों द्वारा पूर्ण नहीं की गई हैं। दिनांक 8/5/2019 से अभ्यर्थियों की JTC ट्रेनिंग शुरू की गई है। बिना चरित्र सत्यापन एवं पत्रावली JTC में प्राप्त न होने के कारण इन अभ्यर्थियों के JTC ट्रेनिंग कराना, नियुक्ति पत्र देना एवं अन्य कार्यवाही कराना संभव नहीं है। दिनांक 3/6/2019 से इन अभ्यर्थियों की RTC में जाना था। लगभग 8,000 से अधिक अभ्यर्थी CAPF की RTC में जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक निश्चित समय सीमा तक ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो 8,000 बच्चे हैं ये अलग सेंटर पे जा रहे हैं जो CAPF के हैं, तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, यूपी पुलिस के लिए दिया गया है। और यहाँ पर अभी बात करें तो यहाँ पर कुछ बच्चों का भी यहाँ पर पत्रावली नहीं मिली है, चाहे सत्यापन नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है। और यहाँ पे जो सेंटर है वो कुछ लिमिट टाइम के लिए है, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है वो बढ़ रहा है, जिससे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बारे में पूरा सब कुछ बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 8,000 बच्चे हैं जिनका भी यहाँ पे RTC नहीं भेजा गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे भी पढ़ के मैं आपको यहाँ पे इसको बता देता हूँ। अतः अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक को निर्देशित करने का कष्ट करें कि निम्नलिखित कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का कष्ट करें। बचे हुए अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही, लगभग 8,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, लगभग 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों का पत्रावली को पूरा करके उनके JTC वाले जनपदों को भेजने की कार्यवाही। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को हम बात कर लें। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थियों का जिनका मेडिकल नहीं हुआ, तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से 51 बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ है, जिसमें से आज 47 बच्चों की लिस्ट लग चुकी है और उनका मेडिकल 10 तारीख को है। तो जिन बच्चों का आधा डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा है, जिनका मेडिकल नहीं हुआ, तो उनके भी 10 या 8, 9, 10, 11 में उनका भी जो मेडिकल है वो हो सक जाएगा। फिर बात कर लेते हैं नंबर 2 की। यहाँ पे लगभग 8,000 से अधिक बच्चों के निश्चय सत्यापन नहीं हुआ, तो जिनका सच्चाई सत्यापन नहीं है वो भी 1-2 दिन में उनका क्लियर कर दिया जाएगा। ये लोग अपना जो है थाने में पता करते रहिए, ठीक है, और जिनका मेडिकल नहीं हुआ ये लोग अपना SP ऑफिस में देखते रहिएगा, कॉल करते रहिएगा कि लिस्ट कब लगने वाली है। और जिन बच्चों का भी पत्रावली नहीं है, तो ये पत्रावली हमारे भी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से अभी किसी भी बच्चे की पत्रावली नहीं दी गई है। अब बिना पत्रावली के कोई भी बच्चा अपना JTC सेंटर पे कैसे जाएगा, ये चीज़ तो असंभव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिले किया जा रहा है हर तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही सारा कुछ था। तो जितना भी डाउट था मैंने आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश की। उसमें एक पॉइंट और जो नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि आप यहाँ पे एक नोट देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। इस नोट में कुछ बच्चे, जिसमें 505 बच्चे हैं जिनकी पत्रावलियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुए, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड है वो भी यहाँ पे अब गड़बड़ी करने लगा है। तो यहाँ पे 550 बच्चे हैं जिनके पत्रावलियाँ भी नहीं भेजी गई। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों के लिए क्या बीत रही होगी 550 बच्चों के लिए। तो जो भर्ती बोर्ड है यहाँ पे, इसके भी कुछ कमियाँ आ रही हैं, और जो यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो भी कितना लूज़ चल रहा है, आप ये चीज़ सारा कुछ देख पा रहे हैं इस वीडियो में। आपको मैंने सारा कुछ, जितना इन्फॉर्मेशन थी, जितना था, मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इनकी जो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, ये
भर्ती बोर्ड की प्रॉब्लम है तो उसमें बच्चे क्या करें, बट परेशान तो बच्चों का ही होना है, बट क्योंकि लॉस बच्चों का ही होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब तक पहुंचा दीजिएगा जिनका भी नहीं हुआ है, जो भी आपके भाई बंधु बड़े छोटे या फिर आपके रिलेटिव जो भी हैं भाई बहन, सब तक ये न्यूज़ पहुँचा दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले आप तक मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।